डिफेंस कर रहे हैं। देश को हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। दुनिया के 6 विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने वाले देशों में आर्थिक दृष्टि से 6ठे स्थान पर फ्रांस था। फ्रांस नीचे आया और उसके स्थान पर भारत ने अपना आर्थिक स्थिति स्थापित की है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमने जो जो कठोर निर्णय लिए थे देश हित में, जनहित में और देश की अर्थव्यवस्था के हित में, उसका परिणाम है। देश में विकास की दृष्टि से, जनहित की दृष्टि से अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनी और उन सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को मिला है। मैंने जब ये कहा कि देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। देश की आजादी के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी को विश्व के 7 प्रमुख देशों ने और संस्थानों ने उन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये भारत के लिए खुशी और गर्व की बात है। अब इसमें ऐसे देश भी हैं जिनके बारे में हमको ये कहा जाता है कि ये मुस्लिमों के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं। ऐसे देश भी हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम किया है। सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग अब्दुल्लाजीज साश। अब इस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सुशोभित किया। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्ला खान सम्मान। फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेन कॉलर सम्मान। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और उसका कारण है चैंपियंस ऑफ अर्थ का सम्मान। आर्थिक दृष्टि से भारत को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की संस्था ने चैंपियन मान करके सम्मानित किया है। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान सियोल शांति पुरस्कार। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल सम्मान। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू सम्मान। और एक घटना और हुई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उस संस्था ने इस बार, भारत उसका सदस्य नहीं है, फिर भी भारत के विदेश मंत्री सुषमा जी को आमंत्रित किया। सुषमा जी ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया तो पाकिस्तान ने उसका विरोध किया और उस संस्थान ने पाकिस्तान को ये कहा कि हमने भारत को आमंत्रित किया है, वो जरूर आएंगे, आपको इसमें आना है तो आए और नहीं आना है तो ना आए। पाकिस्तान उसमें नहीं गया, परंतु भारत का विदेश मंत्री उसमें गया और संबोधित किया और वो पूरे उस संगठन को प्रभावित करने में सफलता मिली। ये ऐतिहासिक उपलब्धियां किसी भी देश की एकता, अखंडता, धर्म संस्कृति और विदेश नीति और कूटनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक उपलब्धि है। जहां तक विकास का सवाल है, भारत के खजाने का पहले 32% पैसा राज्यों को देते थे, इस बार वो 42% हुआ है और 42% के अतिरिक्त भी नगरीय विकास के लिए 5% और पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2%, इस प्रकार से
बयालीस और सात 49% भारत के खजाने का सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के देने का काम हुआ है। कल यहां राहुल गांधी जी आए थे, वो देश में जहां जहां जाते हैं झूठ पर आधारित उनका पूरा भाषण होता है। यहां भी उन्होंने दो तीन बिंदुओं पर चर्चा की है, मैं उनके उसका सीधे सीधे तो जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, परंतु आपको मैं जिन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है, प्रधानमंत्री जी की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में उन बिंदुओं पर जो किया उसके बारे में बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ से ज्यादा खाते खुले और उसमें लाखों करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में आया और उससे छोटे मोटे कारोबारियों ने 5,000 से 10,000 रुपए तक की ऋण सुविधा लेकर के अपना कारोबार किया, स्वावलंबी होने का काम किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश की आजादी के बाद और मैं सोचता हूं दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में पहली बार बिना गारंटी के और बिना संपत्ति गिरवे रखे 10 लाख रुपए तक का 17 करोड़ लोगों को लोन दिया गया और उस लोन में 4.5-5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार लोन लिया है, अर्थात ये नए लोग हैं और इन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने स्वयं ने और साथ में एक दो कर्मचारियों को रख करके कारोबार चलाया है। अब इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर ये 4.5 करोड़ ही हम नए लोन देख लें तो 4.5 और 4.5 लगभग 9 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। नौकरी के लिए इधर उधर घूमते थे वो मालिक बने हैं और उन्होंने